अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास आए हैं हमारे प्यारे नबील भाई, और ये रनाला खुर्द से बिलोंग करते हैं, और इनसे आज थोड़ी बहुत बात करेंगे और साथ में आपको दिखाएंगे हम क्या कैन से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अंकल जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह और सुनाए, तबीयत से ठीक है? का शुक्र। और आजकल क्या हो रहा है? बस मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और बस करंट सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी के हाथ कुछ भी नहीं है, ना तो हमारी गवर्नमेंट है, और बस ये कि गुजारा भी मुश्किल है। जो हालात हैं हम जैसे मजदूरों के लिए तो बिल्कुल ही जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया सर्वाइव करने में। आजकल तो कोई बिजनेसमैन है ना, कोई जिसकी शो होलसेल था, वो भी आजकल बहुत ज्यादा तंग हुआ पड़ा है। होलसेल तो अपनी जगह पे है, जो रिटेल कर लें या कोई भी चीज ले लें, खास तौर पे जो हमारे मजदूर लोग हैं, मैं उसमें शामिल हूँ। मैं खुद सैलरी पर्सन हूँ और एक सेलमैन हूँ। देखा जाए तो बिल्कुल भी जो है ना वो चीज़ें जो पहले थी 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में हो गई है, तो अगर अपनी सैलरी के हिसाब से लगाएं तो सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा। वो तो आप सारे फसल की बात करें, आप जिसके मेरी पास अपनी सैलरी है, मैं खुद सैलरी पे हूँ। बाकी बहुत मुश्किल हो गया है घर की चीज़ें खरीदना, या आप कह लें कि हम भी वो चीज़ें बेचते हैं जो साबुन सर्फ शैम्पू वगैरह, तो ये जो चीज़ें हैं ये अब बड़ी मुश्किल हो गई है खरीदने भी। और बाकी जो चीज़ें हैं खाने पीने की, वो वो तो आपको तो पता है कि बड़ा मुश्किल हो गया। गड्ढे का भी पता नहीं। जी, अब पहले ये होता था, हम ये अक्सर सोचते हैं, बात भी करते हैं एक दूसरे से कि जो पहले मंडी में चले जाए ना तो मंडी का डेली का रेट था, बोली लगती थी सुबह, और अब तो हर चीज़ की बोली बना दी है। मतलब ये शैम्पू चाटनी ले, वाला हाँ काम कर जी, दिया अब है। तो हर चीज़ की बोली है, हर घंटे में जो चीज़ों के रेट निकल रहे हैं, जिनकी रिटेल है जिनकी रिटेल नहीं है, सबका रेट ऐसे निकल रहा है। गवर्नमेंट का तो अल्लाह ही हफज है, वो बड़े बड़े जैसे कहते हैं ना ब्रोकर है, उनका पता ही नहीं चलता गवर्नमेंट पीछे, उनके। आप जबकि मेरी उम्र है राउंड 40, तो जब का मैंने होश संभाला तकरीबन मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए, माड़े हालात भी थे। अभी अल्लाह का शुक्र है, मेन चीज़ ये है कि अभी तब इतनी महंगाई नहीं थी। अब चीज़ें कंट्रोल में रहें, मुनासिब रहें, तो कम तनख्वाह में भी गुजारा हो जाता है, कम आमदनी में भी गुजारा हो एक जाता है। सीक्वेंस ही नहीं है ना, सीक्वेंस सीक्वेंस। नहीं, सीक्वेंस मेन चीज है, हमारे मैनेजमेंट ही नहीं है। ठीक है ना जी, गवर्नमेंट का काम है मैनेज करना, अदारों का काम है मैनेज करना, तो मैनेज कहाँ पे हो रहा है? इदारे मुल्क को मैनेज नहीं कर रहे, तो हम लोग अपने घर को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए आसान है, जैसे गरीब गरीब दर है उसको तो पता है हमने मांग के भी खा लेना है, जो अमीर है उसको जो उसकी स्टेयर टू दौलत का ही नहीं अच्छा पता, अमीर को अपनी दौलत का ही नहीं पता। पता, बिल्कुल नहीं। जो गरीब है, जो मिडिल मैन है, जैसे मैं और आप हैं, हमारे लिए जो सर्वाइव करना क्योंकि मुश्किल है। हमने हमारे साथ 4-5% हो रखा, खानदान ऐड जी, होता है, ऐड हो जब जाता हम तंग होंगे वो भी साथ में हमारे है। साथ। मेन चीज ये है कि आप देखें, 2 टाइम वाला एक टाइम खा तो लेंगे, गुजारा तो करना है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, लेकिन बेकरारी में, बड़ी बेचैनी में। तो अब टीवी चैनल देख लें तो दिमाग जो है ना वो फटने को आ जाता है कि कैसे इनको सुनते हैं, तो ये है कि अभी अभी मरे। ठीक है ना जी, तो बस बहुत टफ, मुस्बत भी सोचें तो तभी परेशानी ही परेशानी है जो हालात हैं। क्योंकि आजकल हर चीज पैसे पे डिपेंड हो गई है, हर चीज पैसे पे डिपेंड हो गई। मेरा कहने का मेरे ख्याल मतलब में ना जी, हालात बार्टर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, अशिया के बदले अशिया जो है ना अच्छा। वो। अब वैसे अगर देखा जाए तो लोग क्या कर रहे हैं, अजनास बेच के दूसरी चीजें ले रहे हैं, तो बात तो उधर ही आ गई है। करेंसी शुरू हुई थी बंदे के लिए आसानी पैदा करने, आसान लेकिन करेंसी जो है ना वो मुश्किल तर मुश्किल हो मुश्किल, गई। तो इतनी डी वैल्यू हो गई उसकी, जी, इतनी पाकिस्तानी करेंसी की हो गई ना, क्या मैं कहता हूँ क्या हद हो गई मुझे, पाकिस्तानी करेंसी तो हमने खुद डीवैल्यू की है, पाकिस्तान का डीवैल्यू कर रहे हैं खुद ही। खुद ही कर रहे हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे, मैं तो मुस्बत ही सोचता हूँ, हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह, और हम देखेंगे हमारी जिंदगी में पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए, अब पॉजिटिव ये आउटलुक हमारी रखनी जिंदगी चाहिए। में होते हैं या जिंदगी के बाद होते हैं जिंदगी नहीं के बाद पता। नहीं पता, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए इंशाल्लाह चीजें तो लाना हम बड़ा, तो अच्छी उम्मीद रख होप सकते, होप तो नॉट आउट नहीं नहीं ये अल्हम्दुलिल्लाह, होप अलहमदुलिल्ला। जो है ना वो अभी छोड़ी नहीं है, अभी तो चल रहा है, अभी आगे देखें।
अब कल इन्होंने 22 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, पता ही नहीं दो चल सौ रहा बहत्तर रुपये लीटर हो गया। साले। पहले यही हमारी जो गवर्नमेंट है ये कहती थी दूसरी पिछली गवर्नमेंट को जैसे ही कि जैसे रात किसी के अंधेरे में को रात के शब खून बढ़ा मारा देते हैं, कहते हैं सब खून कहते मार हैं देते हैं। खून मार दिया। अभी सब खून कौन मार रहा है, जो पीछे 50 रुपये बढ़ा है, अभी जो है ना वो 22 रुपये बढ़ गया। और 22 रुपये पेट्रोल बढ़ने से आप देखें चीजें मतलब बूस्ट हो बहुत जाएंगी, बहुत ज्यादा हो दस जाएगा। रुपये हर वाली चीज चीज पेट्रोल पे फिर। डिपेंड है हाँ ना, जी, हर चीज पेट्रोल पे डिपेंड है। पेट्रोल पे डिपेंड। तो अभी मैं फिर वही कहूंगा कि हमारे इदारों का काम मैनेज करना। अब देखे कंपनियां क्या कर रही हैं, कंपनियां कैसे रेट बढ़ा रही हैं। पेट्रोल अगर जब 200 रुपये लीटर भी था ना, चीजें बढ़ी हैं, कम नहीं कम हुई नहीं हुआ अगर उस हिसाब से देखा जाए। तो जब बढ़ा तो हमने उससे पहले बढ़ा दिया, पहले से। मतलब हमें पता होता है, कंपनियों को पता होता है कि अभी पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, और रेट को जो है ना वो अप कर दें। जैसे ही रेट अप होंगे लोगों की खरीद से बस। नफसा नफसी का आलम है। हाँ जी, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, थैंक बाकी जी रहे, जीते रहेंगे इंशाल्लाह। यू सो मच सर। तो मरना भी जो है ना वो बड़ा जो है ना वो मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। कल जो कब्रों पे भी टैक्स लग आए गया। अल्लाह माफ हाँ कर। जी, बड़ी कब्र पे ज्यादा टैक्स है, छोटी कब्र पे कम टैक्स है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। सर ओके। आपने टाइम दिया।